नमस्कार दोस्तों, हम सभी को पता है कि नाइका पिछले साल ही अपना आईपीओ लेके आया था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे नाइका करोड़ों के प्रॉफिट्स जनरेट कर रहा है। जहां दुनिया कोविड-19 से जूझ रही थी, वहीं ई कॉमर्स सेक्टर में नाइका अपने कदम बढ़ा रहा था। नाइका ने इंडिया के 45 सिटीज में 95 से भी ज्यादा ऑफलाइन स्टोर्स बना रखे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि नाइका कैसे करोड़ों के प्रॉफिट्स जनरेट कर पा रहा है और अमेज़ॉन, मिंत्रा एंड फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज के साथ कैसे टक्कर ले रहा है। इंडिया में ब्यूटी प्रोडक्ट सिर्फ दो ही तरीके से बिकते हैं, या तो हम ऑफलाइन स्टोर्स में जाके, जो कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अपना सामान खरीदते हैं, या फिर दूसरा है ई कॉमर्स के थ्रू, जहाँ पे हम ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाके अलग अलग तरीके के ब्यूटी प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। और अभी भी इंडिया का 90% से ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स का मार्केट ऑफलाइन तरीके से ही काम कर रहा है। तो आइए समझते हैं कि ई कॉमर्स कंपनीज को किस तरीके के चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स की। बहुत सारे सेलर्स फेक प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर दे रहे हैं और ये सब रेप्यूटेड ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स जैसे कि अमेजोन एंड मिंत्रा पे भी चल रहा है, और इससे कस्टमर्स का ऑनलाइन परचेज का एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि प्रोडक्ट्स की पूरी डिटेल ना मिल पाना। बहुत से सेलर्स प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट, प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स जैसी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन भी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में उनके इंग्रेडिएंट्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आखिर वो प्रोडक्ट किन चीज़ों से बना है। बहुत सारे लोगों को कुछ इंग्रेडिएंट्स से एलर्जी भी होती है, तो उनके लिए उसके इंग्रेडिएंट्स जानना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाइका ने इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। नाइका ने अपने कस्टमर्स के प्रॉब्लम को समझा और कुछ ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाई जिससे कि ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में एक बड़ा नाम बन सका। आइए देखते हैं कि अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों के रहते हुए नाइका ने ऐसी क्या स्ट्रैटेजी बना ली कि ये इनको पिछाड़ते हुए एक बड़ा बिजनेस बन के सामने आ पाया। नाइका की सक्सेस का सबसे बड़ा रीज़न रहा उनका इन्वेंट्री मॉडल। आखिर ये इन्वेंट्री मॉडल होता क्या है? ऑनलाइन सेक्टर में मेजरली दो तरीके के मॉडल होते हैं, एक होता है मार्केट प्लेस मॉडल, दूसरा होता है इन्वेंट्री मॉडल। मार्केट प्लेस मॉडल में ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं जिसपे कि सेलर्स आके अपने प्रोडक्ट्स दिखाते हैं और कस्टमर्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ से प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं। इस केस में ई कॉमर्स वेबसाइट को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, सिर्फ 5-10% या 20-25% जितना भी उनका कमीशन होता है सिर्फ वही मिलता है। वहीं इन्वेंट्री मॉडल में खुद दुकानदार की तरह ऑनलाइन वेबसाइट ही जाके मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद लेती है, और ये लोग इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं कि इनको ये काफ़ी सस्ते में मिल जाता है, और फिर वहीं खुद दुकानदार बनके ये लोग प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स को बेचते हैं। और इस मॉडल में ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो नाइका इसी इन्वेंट्री मॉडल का फ़ायदा उठाते हुए मैक, लेकमे, मेबलिन जैसी बड़ी कंपनीज से होलसेल के रेट में बहुत सारी इन्वेंट्री लेके रख लेता है। नाइका के पास अब स्टॉक में सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और उनको उनकी एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट्स जैसी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी पता है, और प्रोडक्ट्स के फेक होने का भी चांस नहीं है क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट ब्रांड्स से सामान खरीदा है। इससे नाइका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन सी स्पेशल बात हुई? नाइका ने जो इन्वेंट्री मॉडल यूज़ किया, यही सेम मॉडल अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट क्यों नहीं यूज़ करते? तो इसका आंसर है इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। जहाँ इंडियन कंपनीज़ फुल 100% इन्वेंट्री मॉडल पे जा सकती हैं, वहीं फॉरेन कंपनीज़ के लिए अभी ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि आज तो नाइका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर अगर कल कोई दूसरी इंडियन कंपनी आके नाइका को चैलेंज कर दे, तो नाइका के पास ऐसा क्या स्पेशल है जिससे कि वो अपने बिजनेस को बचा पाएगा? तो इसका आंसर है नाइका का हर तरफ से अपनी पकड़ को मजबूत बना के रखना। नाइका अपने कस्टमर्स को एक अच्छा ऑनलाइन परचेज एक्सपीरियंस देता है। इनकी वेबसाइट और इनके ऐप्स काफ़ी ज़्यादा हाईटेक हैं। अपने कस्टमर से डायरेक्ट इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए नाइका अलग अलग तरीके के ब्यूटी मैगजीन्स भी पब्लिश करता है, जिसमें ब्यूटी टिप्स और नए नए फैशन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है। नाइका के लिए उसकी कम्युनिटी भी एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पर लोग अपने प्रॉब्लम्स को लिखते हैं और बाकी लोग उसके सोल्यूशंस पोस्ट कर देते हैं। नाइका की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को चैलेंज कर पाना भी एक अपने में बहुत बड़ी बात है। इनके हर सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं और सब पे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। और दूसरे ऑनलाइन सेलर्स के लिए सारे दरवाजे बंद कर देने वाली बात यह है कि नाइका के ऑफलाइन स्टोर्स भी हैं, जहाँ पे कस्टमर्स खुद जाके इनके प्रोडक्ट्स का लुक एंड फील ले सकते हैं। पर जैसा कि मैंने आप सभी को शुरू में ही बताया था कि अभी भी इंडिया में 90% कस्टमर्स ऑफलाइन स्टोर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं,
तो मतलब नाइका अभी तक सिर्फ 10% लोगों तक ही पहुंच पाया है, तो अभी भी इंडिया के मार्केट में बहुत ज़्यादा जगह बाकी है। आप लोग हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि इंडिया में ऐसा कौन सा ब्रांड है जो अभी नाइका को टक्कर दे सकता है। तो आज की वीडियो में हमारी तरफ से इतना ही। ऐसे ही मज़ेदार बिजनेस के स्टडीज़ को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुँचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।